हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप सबके लिए बीस्ट हो यूडेमी का पेड कोर्सेज आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में लेकर आ गया हूँ। सो देख लीजिए कौन सा कोर्स कितना नंबर में है, उसके बाद इनरोल करने के लिए आप सबको आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सारे कोर्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का कोर्स है स्केचिंग एंड ड्राइंग हेड शॉट के बारे में है। तो ये भी कोर्सेज बहुत अच्छा है, अगर आप डिजाइनिंग से इंटरेस्टेड है तो ये कोर्स कर लीजिएगा। तो कोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं इनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनरोल पर क्लिक करके आप इन्वॉल्व हो पाएंगे अगर आप आईडी बनाए हैं तो। अगर नहीं आईडी बनाए हैं तो आईडी बनाने को कहेगा। तो जब आप इनरोल कर लीजिए, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा उसके बाद आप कंप्लीट करके कोर्स को सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सेकंड नंबर का कोर्स है, ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मुझे कमेंट भी आया था, इसीलिए ये कोर्स मैंने इंक्लूड किया हूँ। तो ये कोर्स फ्री अभी है, पर इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो ये सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कोर्स जरूर करिएगा। और आपको भी कोई कोर्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो थर्ड नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी पर्सनल डेवलपमेंट लाइन का स्टूडेंट सब के लिए है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखाया जाएगा आप सब, ट्रेनिंग का है। तो अगर आप टीचर है और टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्सेज कर सकते हैं, फोर्थ नंबर का कोर्स है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का कोर्स देख सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट लाइन का स्टूडेंट सब के लिए, द कम्प्लीट फोकस मैस्ट्री कोर्सेज है। तो ब्रेन कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है इसमें आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद सिक्स नंबर का कोर्स देख सकते हैं स्टोरी टेलिंग का कोर्सेज है। तो बिजनेस लाइन का स्टूडेंट सब एक कोर्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दो दिन बचा हुआ है टाइम सारे, तो यहाँ पर देख लीजिए टाइम तो जल्द ही एक्सपायर हो जाता है कभी काल नंबर ऑफ इनरोलमेंट फिक्स होने के कारण से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा टाइम में। सो एक भी कोर्स आप मिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कोर्स की तरफ मैं जाना चाहूँगा। तो सेवन्थ नंबर का कोर्स देख सकते हैं द कम्प्लीट क्रिएटिविटी कोर्सेज है। तो ये भी कोर्सेज बहुत अच्छा हो जाता है, 9 घंटा का होने वाला है कोर्सेज। उसके बाद 8 नंबर का कोर्स देख सकते हैं द कम्प्लीट सेल्फ डिसिप्लिन कोर्सेज है। तो ये भी कोर्स बहुत अच्छा है। उसके बाद 9 नंबर का कोर्स देख सकते हैं द कम्प्लीट डेली पॉजिटिव हैबिट बिल्डिंग कोर्सेज है। तो अगर आपको माइंड में निगेटिव थाट सब आता है, किसी तरह का आपको हैबिट बिगड़ गया है, तो ये कोर्सेज कर लीजिएगा। तो इसमें आपको बहुत अच्छा से सिखाया जाए कैसे कंट्रोल किया जाए सेल्फ पर। उसके बाद 10 नंबर का कोर्स देख सकते हैं द कंप्लीट पंक्चुएशन कोर्सेज है। तो अगर आपको ग्रामेटिकली में मिस्टेक हो रहा है तो ये कोर्स कर लीजिएगा, 37.5 घंटा का होने वाला है कोर्सेज। उसके बाद 11 नंबर का कोर्स देख सकते हैं द कम्युनिकेट टू विन एंड इनफ्लुएंसेस कोर्सेज है। तो ये भी कोर्सेज बहुत अच्छा है, देख सकते हैं रीडिंग भी बहुत अच्छा है। 12 नंबर का कोर्स देख सकते हैं माइंडसेट टू विन एंड इन्फ्लुएंस का कोर्सेज है। तो ये भी कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सेक्टर का है तो ये कोर्स कर सकते हैं, आपको सिखाया जाएगा कैसे माइंडसेट किया जाता है। उसके बाद 13 नंबर का कोर्स देख सकते हैं मेडिटेशन मास्टर क्लासेज है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, 5.5 आवर का होने वाला है। उसके बाद 14 नंबर लर्न टू फोकस, आप किसी भी चीज़ पर फोकस कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद 15 नंबर का कोर्स देख सकते हैं मेडिटेशन फॉर बिगनर, अगर आप बिगनर लेवल से मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स कर लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर का कोर्स देख सकते हैं डिजाइन द अल्टीमेट अपवर्क प्रोफाइल फॉर सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स के बारे में सिखाया जाएगा, फ्रीलांसर के बारे में। उसके बाद 17 नंबर का कोर्स देख सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग टू है, तो आईटी एंड सॉफ्टवेयर लाइन का स्टूडेंट सब के लिए है। उसके बाद 18 नंबर का कोर्स देख सकते हैं लर्न पीएचपी का है, बिगनर लेवल से आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का कोर्स देख सकते हैं प्रिसाइज कैनवा कोर्सेज है, तो ये भी बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग का कोर्सेज है। और सब इसमें क्या सिखाया जाएगा और सब डिटेल यहाँ पर देख भी सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर का कोर्स की तरफ मैं जाना चाहूँगा, तो मार्केटिंग लाइन का स्टूडेंट सब के लिए है। तो ई बुक मार्केटिंग है, तो ये भी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।